पुस्तक विमोचन एवं कवि सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज जानकी बाई कृष्णा मड़वी मंगल कार्यालय सेक्टर 5 एरोली नवी मुंबई में विमोचन एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके आयोजक श्री केपी पांडे रहे और मुख्य अतिथि विधायक महाराष्ट्र विधान परिषद निरंजन डावखरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर भारतीय महासंघ डॉक्टर योगेंद्र दुबे, राज्य मंत्री महाराष्ट्र श्री विजय चौगुले रहे, विशेष अतिथि डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे, डॉक्टर सुधाकर मिश्र, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर दयानंद तिवारी रहे। आए हुए सभी अतिथियों को ट्रॉफी श्रीफल व साल देकर सम्मानित किया गया। रचनाकार श्री केपी पांडे जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हरिश्चंद्र की पीड़ा कोई मेरे साथ चले दोनों पुस्तक है। इस कार्यक्रम के संयोजक मनीषा नंद पांडे ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। देखिए पूरी खबर पवन लाइव न्यूज पर, सतीश चौहान के साथ नवी मुंबई। शारदे तो ज्ञान की गंगा है और यमुना है, तू ही तो कला का महासागर मेरी मात है। दौलत शोहरत मान हमारी मिट्टी है,
इज्जत और सम्मान हमारी मिट्टी है। वाह, दौलत शोहरत मान हमारी मिट्टी है, इज्जत और सम्मान हमारी मिट्टी है। मतवा ले है जान की हमको क्या परवाह, मतवा ले है जान की हमको क्या परवाह, हम मस्तों की जान हमारी मिट्टी है। बहुत भी बैर हो कानून के बंधनों से अपनी कभी बैर हो, आज महफिल को मिल गए हैं भगवान खैर हो, हमें तो बुलाया भी है। इतने सारे नेताओं को सुनने के बाद, इतने सारे साहित्यकारों को सुनने के बाद आप अभी भी हमें सुनने के लिए बैठे हैं। मैचिंग वाली उन हाथों में अब तो चूड़ी कंगन के सेट सजते होंगे, माथे पर सिंदूर की रेखा, पैरों में पायल के संग संग, अब तो बिछुए और महावर के जोड़े भी जचते होंगे। बढ़िया है, बढ़िया। कितना बदल गया होगा ना, कितना कैसा है वो जिसके हाथों की रेखाओं से टकरा कर टूट गई है। आज का कार्यक्रम मेरा अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और जितने सहयोगी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो बुक लॉन्च हो रही है सर, उसका नाम क्या है और उसमें खास क्या है? पहली पुस्तक मेरी है हरिश्चंद्र की पीड़ा, उसमें राजा हरिश्चंद्र जो इस पृथ्वी पर सत्य के लिए मरे दिए और तकलीफ उठाए उसका वर्णन है। अगर वे एक बार बोल दिए होते जब विश्वामित्र ब्राह्मण कर पकड़ के आया, कितनी बार पूछा कि आप इतना ही क्यों कह दो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने अपने सत्य वचन का निर्वाह किया और अंत में उनको जाना पड़ा इंद्रलोक में। और इंद्रलोक में जाने से पहले उन्होंने क्या कहा कि जब मेरी जो पूरी प्रजा है वो उसको भी मेरे साथ इंद्रलोक में जाना पड़ेगा। तो जब धर्मराज ने कहा कि इंद्र ने कहा कि यह तो संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, जितना मेरा पुण्य है उसको सब लोगों में बांट दिया जाए। लेकिन आज के लोकतंत्र जैसे है, हरिश्चंद्र ने कहा जितना मेरा पुण्य है सब लोगों में बांट दिया जाए, जो एक साल में रहता उसको दो दिन में रहूँगा, लेकिन जितनी मेरी प्रजा है सबको इंद्रलोक में जाने का सुकून है। सर, यहाँ के जो देशवासी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मैं संदेशा देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं न्याय पर अडिग रहे, अपना भी भला करें और देश का भी भला करें, देश पहले है बाद में वो अपने लिए चिंता करें। ये कार्यक्रम करके मुझे बहुत ही सुकून समान होती है और बहुत शांति मिल रही है। कारण ये है कि जो संस्था प्रमुख हमारे जी पांडे जी हैं वो हमारे संस्था के सचिव सागर एजुकेशन ट्रस्ट के, और मैं उनके इस विवेक के लिखा में मिली आई उनको बताना चाह रही हूँ। इसलिए मेरी नैतिकता बनती थी कि मैं उनके जो है